पता नहीं ये बिजली वाला कब पंखा लगाने आएगा, दिमाग खराब हो गया मेरा तो गर्मी से। हाँ यार, पापा को पिछले साल ही बोला था कि एसी लगा लो, लेकिन पापा माने ही नहीं, उन्होंने कहा कि पंखा ही सही है। क्या ही कहूँ पापा भी ना, एक बार और फोन करके बिजली वाले को बोल कि भैया कब तक आओगे। हाँ रुक, मैं अभी मिलाती हूँ उनको फोन। हेलो भैया, कब तक पंखा लगा दोगे, इतनी गर्मी पड़ रही है। हाँ जी, आप कौन बोल रही हो? अरे जो कल शाम को आपको लाल रंग का पंखा देकर नहीं गई थी। अरे हाँ, पहचान लिया बहन जी, आपका पंखा भी बना रहा हूँ, जैसे ही बन जाएगा वैसे ही आता हूँ लगाने। क्या भैया, आपने अभी तक नहीं बनाया, हद है। ठीक है जल्दी बनाओ, गर्मी बहुत पड़ रही है। क्या कहा पंखे वाले ने, कह रहा है कि पंखा अभी बना नहीं है, बना रहा हूँ। ये बिजली वाले भी ना पता नहीं हमारा पंखा अभी तक क्यों नहीं ठीक किया। चल अब घर में बैठते हैं, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। आ जाओ और जल्दी से कुर्सी भी ले आ, बाहर मत छोड़ दियो कुर्सी। हाँ हाँ कुर्सी भी ला रही हूँ, कुर्सी बाहर क्यों छोड़ूंगी। इधर बिजली वाला पंखा ठीक करके ला रहा है। यार इस गर्मी में बाइक होना बहुत जरूरी है, पैदल चलते चलते हालत खराब हो जाती है। इस गर्मी के सीजन में मैं जितने भी पैसे कमाऊंगा सबको जोड़कर बाइक लूंगा एक, तब जल्दी जल्दी काम हो जाया करेगा मेरा। तभी बिजली वाले के पास एक आदमी आता है। क्या हुआ भाई साहब, आप मेरे आगे क्यों खड़े हो गए? भाई साहब जी, इस कागज पे एक पता लिखा है, मुझे यहीं पर जाना है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पढ़कर बता दो कि मैं किस तरफ जाऊँ। दिखाओ भाई। अच्छा ये, यहाँ से सीधा जाओ और फिर वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना, आप पहुँच जाओगे। ठीक है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और बिजली वाले का मुंह दबा देता है। ये ले, छोड़ दिया तुझे। बिजली वाला भी होश हो जाता है। अबे जल्दी से इसे जंगल में छिपाओ और पंखा लेकर चलते हैं। ठीक है तुम सर पकड़ो, मैं पैर पकड़ता हूँ और इसे खींचकर झाड़ियों में ले जाकर छिपा देते हैं। अरे कितना भारी है, उठाओ जल्दी से। हाँ हाँ दे तो रहा हूँ मैं धक्का, खींच जल्दी से। धक्का ही नहीं लग रहा यार, ये बहुत भारी है। हाँ लग गया लग गया। दोनों आदमी बिजली वाले को उठाकर झाड़ियों के पीछे छिपा देते हैं। इसका काम तो हो गया है, अब जल्दी से पंखा उठाओ और चलते हैं, नहीं तो कोई देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं पंखा ले रहा हूँ तो पेचकस उठा ले। दोनों पंखा और औजार उठाकर नीलू नीलिमा के घर की तरफ चल देते हैं। जल्दी जल्दी चल यहाँ से, लगता है यही वाला घर है, चल आगे चलते हैं। तुझे पक्का पता है ना यही वाला घर है? हाँ हाँ यही वाला घर है, जब ये अपने मालिक से पूछ रहा था तब मैंने सुन लिया था। तो ठीक है जल्दी से आवाज दे या दरवाजा खटखटा। ठीक है मैं दरवाजा खटखटाता हूँ। अरे कोई है, दरवाजा खोलो, हमें पंखा लगाना है। लगता है बिजली वाला आ गया। हाँ लग तो यही रहा है, तो बैठ मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। नीलिमा उठकर दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। हाँ आ रही हूँ भाई साहब, दरवाजा मत खटखटाइए। अरे ये लोग पंखा तो ले आए हमारा, रुको दरवाजा खोल रही हूँ मैं। अरे आप लोग कौन है? जी पंखा लगाने आए हैं हम लोग। लेकिन वो भैया कहाँ गए? जी गर्मी का टाइम है, दुकान पर भीड़ लगी है, इसलिए उन्होंने हम दोनों को भेज दिया है। अच्छा ठीक है आ जाइए। बहन जी आपके घर में सीढ़ी तो है ना? हाँ सब है, आप बस जल्दी से पंखा लगा दीजिए। ठीक है बहन जी, हम पंखा ही लगाने आए हैं, आप आगे चलिए, हम लगा देते हैं पंखा। चलिए बहन जी जल्दी से चलिए, हमें और भी काम करना है। बहन जी सीढ़ी दे दो और बता दो पंखा कहाँ लगाना है। सीढ़ी आप वहाँ से ले लीजिए और पंखा सामने टांगना है ताकि पूरे आंगन में हवा आए। मतलब आपका कहना ये है कि हम पंखा ग्रिल में टांग देते हैं और पूरे आंगन में हवा आएगी। कालिया जल्दी से सीढ़ी उठाओ और लगा दे। ठीक है उस्ताद, मैं जा रहा हूँ और जल्दी से सीढ़ी उठाकर लगा देता हूँ। कालिया जल्दी से सीढ़ी उठाकर लगाने लगता है। अरे बड़ी भारी है ये सीढ़ी तो, मुझसे उठ ही नहीं रही, कितनी मुश्किल से उठ रही है। शुक्र है सीढ़ी लग गई। उस्ताद आ जाओ, सीढ़ी लगा दी है मैंने, आप पंखा लगा दीजिए। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है तूने? सीढ़ी पकड़ के रख, मैं चढ़ रहा हूँ और छोड़ना मत सीढ़ी, नहीं तो गिर जाऊंगा। आदमी पंखा लेकर चढ़ जाता है और पंखा लगाने लगता है। कालिया देखियो पंखा सीधा लग रहा है ना? हाँ उस्ताद पंखा सीधा लगा हुआ है, आप कनेक्शन कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं प्लास से कनेक्शन ही जोड़ रहा हूँ। उस्ताद पंखा इधर उधर मत करना, बिल्कुल सही लगा हुआ है।
बहन जी, अंकल जी कहाँ गए हैं? आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब वो लोग खेत में काम करने गए हैं, घर में हम दोनों ही हैं। ओह अच्छा, तभी दिखाई नहीं दे रहे, खेत में काम करने गए हैं। बहन जी बटन चालू करो, मैंने पंखा टांग दिया है। ठीक है भाई साहब, रुकिए, मैं अभी बटन चालू करती हूँ। नीलू कमरे में जाती है और बटन चालू कर देती है। हाँ चल रहा है पंखा, कितनी अच्छी हवा आ रही है, मजा आ गया। नीलिमा देख अपना पंखा पहले से कितना अच्छा चल रहा है, बहुत तेज। आ रही हूँ, कब से गर्मी में बैठी हुई थी, अब राहत मिलेगी मुझे। अरे हाँ वाकई में पंखा कितना अच्छा चल रहा है, कितनी ठंडी हवा आ रही है। बहन जी आपका पंखा लगा दिया है हमने, अब आप हमें पैसे दे दीजिए, हम जाए यहाँ से। ठीक है भाई साहब जी, आप बता दीजिए आपके कितने रुपए हुए हैं। बहन जी हमारे पूरे 100 रुपए हुए हैं, 50 लगाने के और 50 बनाने के। ठीक है आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। नीलू कमरे में जाती है और वहाँ से पैसे लेकर आ जाती है। 100 रुपए लग गए लेकिन कोई बात नहीं, पंखा तो अच्छी हवा दे रहा है ना। ये लीजिए भाई साहब जी आपके 100 रुपए। बहन जी आप एक काम करेंगी, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लग रही है हमें। हाँ हाँ अभी लाती हूँ, पानी की क्या बात है, मैं तो कुछ खाने के लिए भी ले आती हूँ। नीलू पानी लेने के लिए किचन में चली जाती है। मौका अच्छा है, जल्दी से अपना काम करते हैं। एक आदमी हाथ में दवाई लगा कर नीलिमा का मुंह दबा देता है। इसका काम तो हो गया, चल अब किचन में जल्दी से चल, उसका भी काम कर देते हैं। दोनों दौड़कर किचन में पहुंच जाते हैं और नीलू का मुंह दबा देते हैं। इसका भी काम हो गया उस्ताद, अब जल्दी से इनको उठाओ और कमरे में ले चलकर लिटा दे। अरे उस्ताद पागल हो गए हो क्या, क्यों समय खराब कर रहे हो, इससे अच्छा तो हम लोग घर में जो जो कीमती सामान है उसे उठाकर चलते हैं, ये दोनों जहाँ गिरी हैं गिरे रहने दो। हाँ सही कह रहा है तू, ऐसा कर तू रसोई में जो जो कीमती सामान है सब एक बोरी में भर ले और मैं जाकर कमरों में देखता हूँ, वहाँ भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा हमें। जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा करो, हमारे पास समय बहुत कम है, कहीं कोई आ ना जाए। एक आदमी कमरे में चला जाता है और एक आदमी किचन का सामान उठाने लगता है। अरे पीतल का बर्तन, इसे ही उठा लेता हूँ, पूरा किचन खाली कर दूंगा मैं इनका, जो जो सामान मिलेगा सारा ले लूंगा। इतना बढ़िया मटका मिला है डिजाइन वाला। आदमी किचन का सामान ला ला कर खाट पर इकट्ठा करने लगता है। अरे वाह मिक्सी मिल गई, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे मसाला बट्टे से नहीं पीसना होगा, अब तो आराम से पीस जाएगा इसी से। मुझे तो गहने मिल गए, मजा आ गया, लाखों का माल है ये। अरे उधर एक कवन है, उसे भी उठा ले, इतना महंगा सामान क्यों छोड़ रहा है, जो जल्दी से उठा। और ऐसे तो मैं भूल ही गया था, ये तो पिज्जा बनाने वाला है, मजा आएगा, खूब पिज्जा खाऊंगा। मजा आ गया, यहाँ पर तो बहुत महंगे महंगे सामान मिल गए हमें। आदमी ओवन को भी खाट पर रख देता है। यार आज तो मजा ही आ गया, अब चल जल्दी से उठा सारा सामान और ले चलते हैं, नहीं तो कोई आ जाएगा। सही में अब महीनों तक कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आज तो पार्टी भी हो जाएगी। अरे हाँ देख मेरे हाथ तो अभी से ही उठने लग गए नाचने के लिए, ओए मजे आ गए, खूब पार्टी करेंगे, बल्ले बल्ले मजे आ गए। अरे उस्ताद इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले ये सामान घर तो पहुँच जाए फिर खुशी मनाना। फिर दोनों सामान उठाने लगते हैं और तभी ट्यूशन के सारे बच्चे भी आ जाते हैं। अरे चलो जल्दी जल्दी से भाई, अरे यहाँ पहुँच कर क्यों टेंशन ले रही है। अरे ये कौन है, अरे ये तो चोर है, पकड़ो इन दोनों को, पकड़ो पकड़ो, अबे भाग, अबे भाग जल्दी से, अबे कालिए जल्दी आ, खड़ा क्यों है, भाग यहाँ से। अरे उस्ताद हम खामखा का नाच रहे थे, लेने के देने पड़ गए यहाँ तो। चोर बाथरूम की साइड से ग्रिल पार करके कूद जाता है। अरे उस्ताद मैं भी आ रहा हूँ, मेरा भी हाथ खींचो। दोनों चोर जल्दी से बाहर कूद जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। उस्ताद भागो 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 यहाँ से। अरे अगर आज हम सब नहीं आते तो नीलू दीदी के घर में चोरी हो जाती। हाँ यार अब जल्दी से नीलू नीलिमा दीदी को होश में लाओ। एक काम करो, 3 बच्चे नीलू दीदी को जगाओ और 3 बच्चे नीलिमा दीदी को। आओ जल्दी से बैग रख कर जगा देते हैं। मैं जा रही हूँ नीलिमा दीदी को जगाने, आओ कोई मेरे साथ। अरे दीदी उठ जाओ उठ जाओ, अरे दीदी उठो जल्दी से उठो उठो, अरे उठो नीलिमा दीदी, नीलिमा दीदी उठो, अरे उठो ना नीलिमा दीदी। नीलू नीलिमा दोनों को जल्दी से होश आ जाता है।
अरे क्या हो गया था मुझे? दीदी आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। दीदी आप कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो नीलिमा को देखते हैं वो कैसी है। सभी लोग आंगन में आ जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? यही कि कभी भी अनजान लोगों को अपने घर में मत घुसने दो, समझे बच्चों? हाँ दीदी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।